प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 3.3 और 3.4 पढ़ने से पहले हमें सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग और पतंग, इनके गुणधर्मों के बारे में, इनकी आकृति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनकी परिभाषाओं को याद करना बहुत जरूरी है। जब तक ये याद नहीं होगी, आगे वाले प्रश्नों का आप हल नहीं कर सकते। तो देखिए, पहला है आपके पृष्ठ संख्या पाठ्य पुस्तक में 61 है, उस पर है ये। हमने क्या चर्चा की, इसमें लिखा हुआ समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। समांतर तो आप जानते हो, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, जैसे रेल की पटरी है, समांतर है, यानी दो रेखाओं के बीच में समान अंतर हो, वो एक दूसरे को कहीं काटे नहीं, उनको चाहे कितनी लंबी खींचे वो एक दूसरे को काट नहीं सकती है, समान उनमें अंतर बना रहता है, इसलिए उनको समांतर कहते हैं। ये आकृति आपको दिख रही है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें एक भुजा तो ये है, कौन सी, बी और सी, और सॉरी डी सी। दूसरी भुजा है ए बी, ये दोनों भुजाएं आमने सामने हैं, सम्मुख है ये, इसलिए ये सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा हो गया, या इसको सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कहेंगे। इसी प्रकार ये भुजा कौन, डी ए और बी सी, ये भी सम्मुख भुजाएं हैं, एक जोड़ा हो गया, यानी दो चीजों का एक जोड़ा बनता है ना पैर, तो ये सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा हो गया। तो हमने इसमें पढ़ा था कि सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है। ये भुजा और ये भुजा दोनों सम्मुख और समांतर है, इनमें समान अंतर है, यहाँ पर जो अंतर है वही यहाँ पर ये कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती है, तो ये उसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे, जिसमें प्रत्येक सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर हो। ये तो हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। अब इसके क्या क्या गुण हैं, ये भी हमें पढ़ना है। समांतर चतुर्भुज का पहला गुण याद रखने की बात है, ये पहला महत्वपूर्ण गुण है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने वाली जो भुजाएं हैं उन्हें सम्मुख भुजाएं कहते हैं, और वो हमेशा बराबर होती है। दूसरा गुण है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तीसरा गुण है, विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। विकर्ण, ये देखो आमने सामने शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा है वो विकर्ण है, एसी ऐसे सी एक विकर्ण है और डी से बी एक विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये जो काटते हैं वो कहाँ करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं, यानी ऐसे सी की जो लंबाई है उसको बीच में से काटेंगे। इसी प्रकार डी और बी की जो लंबाई है उसको ये ऐसे बीच में काट रहा है, सेंटर में काटता है, ये गुण हो गया। समझ में आ रही है, ये याद करना है आपको। इसके बाद हम ले रहे हैं सम चतुर्भुज। देखिए, समांतर चतुर्भुज आपने पढ़ लिया, अब सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में किसे कहते हैं? एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है। नाम में पता चल रहा है, सम, सम का मतलब समान, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो वह सम चतुर्भुज कहलाता है। अब इसके गुण क्या है, समांतर जो चतुर्भुज में गुण पढ़े थे हमने, सम्मुख भुजाएं बराबर होना, सम्मुख कोण बराबर होना, विकर्ण बीच में काटना, वो चीजें इसमें सारी की सारी गुण इसमें भी होने चाहिए, तभी उसको हम सम चतुर्भुज कहेंगे। साथ में एक नया गुण और होता है, वह है विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। लंब का मतलब 90 डिग्री में एकदम सीधे खड़े काटते हैं। लंब का मतलब जान गया, ऐसे ये देखो ये काटा मैंने, ये लंब, और जबकि समांतर चतुर्भुज में लंब की तरह नहीं काट रहे हैं, ये तिरछे काट रहे हैं ऐसे, यहाँ 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, कहीं अधिक कोण और कहीं न्यून कोण बन रहा है, जबकि लंब सम चतुर्भुज में बिल्कुल विकर्ण लंब बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है बीच में। ये हो गया सम चतुर्भुज। अब है प्यारे बच्चों आयत। आयत किसे कहते हैं और आयत के क्या क्या गुण हैं? देखिए, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, सॉरी जिसका प्रत्येक कोण एक कोण, तो सभी कोण हो गए आयत के चारों अंतः कोण 90 डिग्री के होते हैं, और उसके आमने सामने की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो समांतर होती है, अर्थात जो समांतर चतुर्भुज के गुण थे वे ही गुण इसके अंदर भी हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी इसके जितने भी कोण है वो सब क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, और विकर्ण भी इनके क्या होंगे, बराबर होंगे। आयत के अंदर जो विकर्ण होते हैं तिरछे काटने वाले, वो विकर्ण क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। इसी प्रकार बाकी आप लीजिए वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं, एक आयत, वर्ग भी एक प्रकार से आयत ही है जिसकी क्या होती है, सभी भुजाएं बराबर होती है। ये चित्र में आप देख रहे हो ना, ये वर्ग है, ये ऊपर आयत था और इससे ऊपर देख रहे थे आप ये समचतुर्भुज है और ये समांतर चतुर्भुज है। अब वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके अलावा क्या क्या गुण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं, साथ में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है और विकर्ण इसके बराबर होते हैं। ये तो था सॉरी आयत। अब है आपका समांतर चतुर्भुज के सभी गुण और आयत के भी सभी गुण इस वर्ग में होते हैं। वर्ग में जितने जो आयत के सारे गुण है वो वर्ग में भी होंगे। अब है पतंग, एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाएं, दो आसन्न भुजाएं होती है, एक भुजा से जुड़ी हुई दूसरी भुजा जाती है वो आसन्न भुजाएं कहलाती है। तो देखिए एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, दो आसन्न भुजाएं जैसे ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, ये भुजा भी आसन्न है, या ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भी आसन्न है। तो ये कह रहा है कि आसन्न भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, इन दोनों का जोड़ा बना ये क्या है, बराबर है आसन भुजाओं का, और इन दोनों आसन भुजाओं का जोड़ा भी बराबर है। तो विकर्ण एक दूसरे पर लंब डाल होते हैं और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को बराबर भागों में बांटता है। ये आकृति आप देख ही सकते हो पतंग की, और पतंग आप जानते ही हो तो प्यारे बच्चों, इनको याद करना है समझ के, आपकी पुस्तक में प्रश्न संख्या 61 पर भी ये है, इसको अच्छी तरह याद कर लेना है।